औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2, बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट द यूनिट नंबर 3, एंड यूनिट नंबर 3 हैज अ टू पार्ट। इसके टू पार्ट्स हैं। वन पार्ट में हम क्या करेंगे, द ट्रैप जो कि इसकी रीडिंग है, और सेकेंड पार्ट इसके कन्वर्सेशन है जो कि इसकी वीडियो अलग बनेगी। पार्ट वन में हम रीडिंग की और उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और इसकी पार्ट टू की वीडियो में हम कन्वर्सेशन को, इसकी पोएम और इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। यूनिट नंबर स्टार्ट करते हैं, जो कि टाइटल है हमारा द ट्रैप। ट्रैप क्या होता है, जिसे हम जाल भी कहते हैं, फंदा भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास है प्री रीडिंग, जो कि कहते हैं रीडिंग पढ़ने से पहले, ठीक है। रीडिंग पढ़ने से पहले यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे व्हाट डू यू नो अबाउट टाइगर्स, के आप शेरों के बारे में क्या जानते हैं। हम बच्चों से पूछेंगे क्या उन्होंने कभी टाइगर देखा है। मे बी वो बच्चे कहेंगे वो जू गए हैं, वहाँ देखा है, या फिर कुछ बच्चे जू नहीं गए होंगे, उन्होंने टीवी वगैरह में वीडियोस में देखा होगा। टेल योर टीचर, इसमें क्या करें, टीचर को बताइए, हम बच्चों से पूछेंगे, ठीक है, वो टीचर को बताएंगे। लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे जो तस्वीरें दी गई हैं हम उनको देखेंगे और गैस करेंगे व्हाट इज गोइंग टू द हैपन इन दिस स्टोरी, के इस स्टोरी में क्या होगा। अब सबसे पहले जो कि क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है वो आता है व्हाट डू यू नो अबाउट द टाइगर्स, ठीक है। बच्चों से हम डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो बताएंगे वो क्या जानते हैं हम, और इसका कलर क्या होता है, टेल का कलर क्या है, इस तरह के, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है टाइगर्स आर पावरफुल एनिमल्स, कि जो शेर होता है वो क्या होता है, ताकतवर जानवर होते हैं। दे लिव इन जंगल, वो जंगल में रहते हैं। दे हंट एंड ईट अदर एनिमल्स, वो दूसरे जानवरों का शिकार करते और उन्हें खाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका आंसर हो गया, अब क्या है, लुक एट द पिक्चर बिलो, अब के नीचे दी गई क्या है, तस्वीरों को देखिए। इस स्टोरी का सबसे पहले हमारे पास ये तस्वीर है, देखिए हमारे पास यहाँ पे दो करैक्टर हैं, एक बॉय का है और एक यहाँ पे हमारे पास टाइगर है, ठीक है। टू करैक्टर्स हमारे पास आगे हैं। यहाँ पे देखिए टाइगर क्या है, केज में बंद है, ठीक है, और यहाँ पे बॉय क्या है, वो बाहर है। तो हम बच्चों उससे पूछेंगे कि ये कैसे केज में गया होगा, क्या स्टोरी पढ़ेंगे, किसके अबाउट पढ़ेंगे, उनका जो माइंड मैप है हम रेडी करेंगे। फिर नेक्स्ट ये तस्वीर दिखाएंगे कि पहले तो टाइगर था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एक बैल आ गया है, और अब लड़का इसके पास है, क्या हो सकता है, ये इसे क्यों बातें कर रहा है, ये क्या। फिर हम पूछेंगे ये क्या हो गया दोबारा, यहाँ पे हमने देखा जो शेर है वो दोबारा केज में है, यहाँ पर अब जैकल भी है और यहाँ पे बॉय भी है, ठीक है। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, बच्चों को पूरा माइंड मैप रेडी करके फिर हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज जो कि स्टोरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑनेस्ट, जिसे हम ईमानदार या फिर दयानतदार भी कहते हैं। गुड, नॉट फॉल्स, नॉट टेलिंग। अब नेक्स्ट है इमीडिएटली, जिसे हम उर्दू में फ़ौरन, फिल फोर कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेट वे, एट वंस। नेक्स्ट है जैकल, जिसे हम गिद्दर कहते हैं। अ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड कहते हैं जंगली एनिमल, लाइक अ डॉग, जो कि डॉग की तरह का होता है। मैटर, जिसे हम मसला या फिर मामला भी कहते हैं। प्रॉब्लम, रिप्लाइड, जवाब देना, आंसर्ड, ठीक है। रबिश, कूड़ा क्रिकेट या फिर कचरा। यूजलेस, यूजलेस और अनवांटेड थिंग्स, ठीक है, वो सब क्या होती हैं, कचरे में जाती हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, अ टाइगर, एक शेर। वास कास्ट, फंस गया, इन अ ट्रैप, फंदे में, कि एक मरतबा एक शेर फंदे में फंस गया। ही ट्राइड, इसने कोशिश की, एंड और ट्राइड, कोशिश करता रहा, टू गेट आउट, बाहर निकल आए, इसने बहुत कोशिश की कि वो बाहर निकल आए। बट मगर द ट्रैप, फंदा वास था, वेरी बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत, मगर फंदा बहुत मजबूत था। एंड और ही कुड नॉट, ना आ सका, गेट थ्रो द बार्स, ठीक है, सलाख जो इसके बने हुए थे, जैसे तस्वीर में ये, ठीक है, लोहे के, इन्हें कहा जाता है सलाखों से, और वो इसकी सलाखों से बाहर ना आ सका। जस्ट देन, इसी वक्त, अ बॉय, एक लड़का, केम, आया, वॉकिंग बाय, ठीक है, उसी वक्त एक लड़का वहाँ से गुजरा। द टाइगर क्राइड आउट, कि शेर चिल्लाया, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, प्लीज़ मेहरबानी करके, लेट मी आउट ऑफ दिस ऑल ऑफुल ट्रैप। ऑफुल कहते हैं खौफनाक फंदा, ठीक है, कि मेहरबानी करके मुझे इस खौफनाक फंदे से निकालो। अब बॉय ने क्या कहा, नो, नहीं, सेड द बॉय, लड़के ने कहा, यू विल ईट मी अप, तुम मुझे खा जाओगे। नो नो, नहीं नहीं, सेड द टाइगर, शेर ने कहा, आई शैल बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त, एंड और सर्वेंट, खादम बन जाऊँगा। अब शेर ने उसे क्या कहा कि आप मुझे बाहर निकालो, तो लड़के ने क्या कहा कि नहीं, आप मुझे खा जाओगे, और शेर ने रिप्लाई में क्या कहा कि नहीं, आई शैल बी योर फ्रेंड एंड सर्वेंट, कि मैं आपका दोस्त और खादम बन जाऊँगा। देन, तब ही वो क्राइट, रोने लगा, एंड और क्राइट, रोता गया, अनटिल, यहाँ तक द बॉय, लड़के ने ओपन, खोल दिया, द डोर, दरवाज़ा।
तब वो रोने लगा और रोता गया, यहाँ तक कि लड़के ने दरवाज़ा खोल दिया। द टाइगर इमीडिएटली फ़ौरन या फिर फोर कॉच द होल्ड ऑफ हिम, उसे पकड़ लिया। क्या किया शेर ने, उसे फ़ौरन से उसे पकड़ लिया। यू फूल, बेवकूफ़ हो, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि तुम बेवकूफ़ हो। रोट द हारा द टाइगर, शेर द हारा। नाउ अब आई शेल ईट यू अप, अब मैं तुम्हें खा जाऊँगा, ठीक है। द बॉय, लड़का स्टार्टेड, शुरू हो गया टू क्राई, रोना, लड़का रोना शुरू हो गया। एंड और द टाइगर सेट, शेर ने उसे कहा ऑल राइट, ठीक है, परहैप्स शायद, आई विल लेट यू गो, कि मैं तुम्हें जाने दूँ, कि शायद मैं तुम्हें जाने दूँ। आस्ट फॉर हेल्प देम थ्री थिंग्स यू सी, उसने अब उसे क्या कहा है कि जिन तीन चीज़ों को तुम देखो इनसे मदद मांगो, ठीक है। इफ़ अगर दे अग्री, वो रजामंद हो जाते हैं टू हेल्प यू, आपकी मदद के लिए, कि अगर वो आपकी मदद के लिए रजामंद हो जाएं, आई शैल लेट यू, तो मैं आपको छोड़ दूंगा या फिर जाने दूंगा। फर्स्ट, सबसे पहले द बॉय आस्ट अ ग्रेट ट्री, बड़े दरख्त से, सबसे पहले लड़के ने दरख्त जंगल में, ठीक है, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, फॉर हेल्प के लिए पूछा। सबसे पहले लड़के ने जंगल में एक बड़े दरख्त से मदद के लिए पूछा। बट मगर द ट्री लाफ्ड, हंस पड़ा, क्या हुआ, दरख्त इस पर हंस पड़ा। जब लड़का दरख्त के पास गया और उसने क्या कहा, उसे हेल्प के लिए कहा, तो दरख्त क्या हुआ, उस पर हंस पड़ा। वाई शुड आई हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए, सेट, कहा द ट्री, दरख्त ने कहा। यू तुम आर हो लकीली, खुशकिस्मत, कि तुम खुशकिस्मत हो। यू आर इंडिपेंडेंट, तुम आज़ाद हो। यू हैव फ्री विल, आपकी क्या है, आज़ाद ख्वाहिशें हैं। वेयर एज, जबकि आई एम रूटेड इन वन प्लेस, जबकि मुझे एक ही जगह पे क्या है, उगाया गया है। एंड और आई एम हेल्पलेस, और मैं बेमदद हूँ, ठीक है, मतलब मुझे, मेरी हेल्पलेस हूँ मैं। अभी देखिए हमने इधर क्या पढ़ा, वो हेल्पलेस है, क्यों हेल्पलेस है, क्योंकि उस वो एक जगह पे, आपको पता है ट्री एक जगह पे निकलता है, ठीक है, वो फिर मूवमेंट नहीं कर सकता, इसलिए उसने क्या कहा, आई एम हेल्पलेस, कि मैं बेबस हूँ, ठीक है। पीपल, लोग टेक, ले लेते हैं उस माई फ्रूट, मेरे फल को, कि लोग क्या करते हैं, मेरे फल को ले लेते हैं। एंड कट, काट देते हैं, माई ब्रांचेज, मेरी शाखों को, और लोग क्या करते हैं, मेरी शाखों को काट देते हैं। Nobody helps me, कोई भी मेरी मदद नहीं करता, go away, चले जाओ। Next, फिर the boy saw, लड़के ने देखा आ एक बुलेट बैल को वर्किंग, काम करते हुए, इन में आ एक फील्ड, खेत में। इसके बाद लड़के ने खेत में काम करते हुए एक बैल को देखा। ही आस, उससे पूछा द बुलेट फॉर हेल्प, फिर इसने बैल से मदद के लिए कहा या पूछा। यू आर लकी, कि तुम खुशकिस्मत हो, सेट द बुलेट, बैल ने कहा। यू डोंट हैव टू वर्क सो हार्ड, क्या तुम्हें मेरी तरह सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ती, इन द फील्ड, खेत में, अंडर द स्कॉर्चिंग सन, स्कॉर्चिंग चुंधिया देने वाला सन, ठीक है, मतलब गर्म तरीन इसमें, सूरज में, आपको मेरी तरह काम नहीं करना पड़ता। आई वर्क हार्ड, मैं सख्त मेहनत करता हूँ ऑल डे, पूरा दिन, एंड गेट पाता हूँ लिटल टू ईट, और खाने के लिए क्या है, मुझे बहुत कम दिया जाता है, मतलब बहुत कम पाता हूँ। अब इसने उसमें बैल ने उसे क्या कहा कि तुम खुशकिस्मत हो, बैल ने कहा कि मैं सारा दिन सख्त मेहनत करता हूँ और खाने के लिए सिर्फ कम पाता हूं। मेरी क्या, Nobody helps me, कोई भी मेरी मदद नहीं करता, Go away, चले जाओ यहां से, ठीक है। फाइनली, आखिरकार, अब क्या ये थर्ड करेक्टर हमारे पास आने लगा। जैसे कि शेर ने थ्री करेक्टर्स दिए थे, टू करेक्टर्स हो गए हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट करेक्टर में ट्री का पढ़ा, और सेकंड में हमने बैल का पढ़ा, और फाइनली पे हम देखते हैं किसका पढ़ते हैं। फाइनली, आखिर में, द बॉय, लड़के ने सेट कहा टू द रोड, सड़क से, आखिर में लड़के ने सड़क से कहा, ओ रोड प्लीज आस्क द टाइगर टू सेट मी फ्री, कि क्या करो, मेहरबानी करके शेर से कहो कि मुझे आज़ाद कर दे। नेवर, कभी नहीं, सेट द रोड, सड़क ने कहा कि कभी नहीं। यू आर लकी, तुम खुशकिस्मत हो। लुक एट मी, मुझे मेरी तरफ देखो या मुझे देखो। पीपल वॉक, लोग मेरे ऊपर चलते हैं। एंड राइट ऑल ओवर मी, और मेरे ऊपर क्या करते हैं, पैदल चलते हैं और सवार होते हैं। एंड दे थ्रो रबिश ऑन मी, और वो मेरे ऊपर कूड़ा क्रिकेट या फिर कचरा फेंकते हैं। नोबडी हेल्प्स मी, कोई मेरी मदद नहीं करता। गो बैक, वापस चले जाओ टू द टाइगर, टाइगर के पास, ठीक है। अब क्या हुआ, रोड ने भी उसकी हेल्प के लिए इनकार कर दिया, मतलब ये भी उसकी हेल्प के लिए रजामंद नहीं हुई। द बॉय, लड़का वास्ता सैड उदास,
लड़का बहुत उदास था बट मगर ही वो वास्ता आल्सो भी ऑनेस्ट लेकिन वो ईमानदार भी था। ही वॉक्ड बैक टू द टाइगर, वो वापस शेर के पास चला आया। ऑन द वे रास्ते में ही मेट, वो मिला जैकल एक गिद्दर से, ठीक है रास्ते में वो एक गिद्दर से मिला। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है बॉय, लड़के आस्क्ड पूछा द जैकल, जैकल ने लड़के से पूछा कि क्या मामला है। द बॉय, लड़के ने टोल्ड बताया हिम, यहाँ पे हिम कौन है, जैकल है ठीक है, अबाउट द टाइगर, शेर के बारे में, और लड़के ने जैकल को शेर के बारे में बताया। द जैकल फेल्ट सैड, गिद्दर को इस पर अफसोस हुआ। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ही सैड, इसने कहा, एंड वेंट, चला गया विद द बॉय, लड़के के साथ, टू द टाइगर, टाइगर के पास। अब क्या हुआ, जैसे कि थ्री करेक्टर्स जो थे, पहले हमारे पास ट्री, ठीक है, बैल था, और क्या था यहाँ पे, हमने रोड के बारे में पढ़ा, इन सब ने उसकी मदद के लिए क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब इस बॉय की हेल्प के लिए कौन जा रहा है, उसके साथ जैकल। जैकल ने क्या कहा लड़के से कि मैं आपकी मदद करूंगा। प्री रीडिंग में क्वेश्चन देख लें, पढ़ने के दौरान यहाँ पे इसमें पूछा गया है द ट्री, द बुलक एंड द रोड डिड नॉट हेल्प द बॉय, व्हाई, कि इन तीनों ने लड़के की हेल्प के लिए क्यों मना कर दिया, क्या वजह थी, क्यों। अब हम जैसे अभी हमने रीडिंग पढ़ी है, हम बच्चों से पूछेंगे कि इन तीनों ने क्या रीज़न थी, इन तीनों ने क्यों मना किया था लड़के की हेल्प के लिए। ऑल थ्री, इन तीनों ने रिफ्यूज, इनकार कर दिया टू हेल्प, मदद के लिए द बॉय, लड़के की, बिकॉज, क्योंकि ह्यूमंस ट्रीटेड देम, यहाँ पे क्या, तीनों हैं, बैडली, कि इंसान इनसे बुरा सलूक करते थे, या फिर हम इस कान से, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज से भी, बिकॉज ह्यूमंस ट्रीटेड देम बैडली, कि इंसान इनसे बुरा सलूक करते थे, यही वजह थी इन तीनों ने लड़के की हेल्प के लिए मना किया, ठीक है। हाउ, कैसे, डिड यू, तुम, गेट फ्लो इन टू द ट्रैप, फंदे में, इन द बिगनिंग, शुरू में। अब ये किसने कहा, ही आस्क द टाइगर, ये शेर से पूछा किसने, जैकल ने पूछा कि तुम शुरू में कैसे इस फंदे में दाखिल हुए थे। लाइक दिस, इस तरह, रिप्लाइड द टाइगर, शेर ने जवाब दिया, बट हाउ, लेकिन कैसे, शो में, मुझे दिखाओ सर द जैकल, जैकल ने कहा, द टाइगर वॉक्ड बैक इन टू द ट्रैप, शेर क्या हुआ, उसके पीछे गया, किसके पीछे गया, बैक में, दोबारा इस फंदे में गया, एंड एट वंस, जल्दी ही द जैकल, शेर ने शट द डोर, दरवाजे को बंद कर दिया, क्योंकि उसने पूछा आप इस जो ट्रैप था इसमें कैसे गए, तो शेर ने उसे बताया कि मैं ऐसे गया, जैसे वो उसके अंदर गया तो जैकल ने क्या किया, फौरन से दरवाजे को दोबारा से शट कर दिया। नाउ अब स्टे देयर, अब यहीं रहो, सेट द क्लेवर जैकल, चलाक किधर ने कहा, एंड और ही वो, एंड द बॉय, और लड़का, वेंट अवे, चले गए, और लड़का और वो वहाँ से चले गए। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे हमारे पास है कम्प्रीहेंशन, समझ के पढ़ना, जिसमें आंसर क्वेश्चन है। जैसे कि बच्चों ने रीडिंग कर ली होगी, उनको सारी समझ आ चुकी होगी स्टोरी की, तो हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि उन्होंने इस स्टोरी में इसके आंसर क्या क्या पढ़े हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, वाई, क्यों, वास द रोड, कि जो रोड थी अनहैप्पी, नाखुश थी, कि सड़क क्यों नाखुश थी। अब हमको बच्चों से पूछेंगे, उन्होंने स्टोरी में पढ़ा है कि रोड क्यों थी, बिकॉज, क्योंकि पीपल वॉक्ड एंड रोड ऑल ओवर इट, कि लोग इस पे क्या चलते थे और सवारी करते थे, एंड और थ्रू रॉबिश ऑन इट, और जो भी कचरा था वो उसके ऊपर फेंक देते थे, इसलिए रोड क्या थी, अनहैप्पी थी। जैसे कि ये ग्रेड टू है, हम इसके मजीद शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह कर सकते हैं कि बिकॉज, क्योंकि, पीपल, लोग, थ्रू रॉबिश ऑन इट, कि लोग जो थे उसके ऊपर कूड़ा या कचरा फेंकते थे इसलिए वो नाखुश थी, आप इस तरह इस क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं। हाउ डिड पीपल हर्ट द ट्री, कि लोगों ने दरख्त को कैसे दुखी किया हुआ था, दे टुक इट्स फ्रूट, कि वो इसका फल ले लेते, एंड और कट इट्स ब्रांचेज, और इसकी शाखें काट देते, इसलिए क्या थी, इस तरह लोग क्या कर रहे थे, हर्ट कर रहे थे ट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है, हु लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप, कि शेर को फंदे से किसने बाहर निकाला, आ बॉय, एक लड़के ने, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आ बॉय, एक लड़के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, डू यू थिंक दैट द बुलक वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि क्या आपका क्या ख्याल है कि बैल बहुत ताकतवर था, आंसर कहेंगे येस, जी हाँ, बिकॉज इट वर्क हार्ड फुल डे, क्योंकि ये सारा दिन मेहनत करता है, ठीक है, येस कहेंगे और साथ में कहेंगे जी हाँ, बिकॉज इट वर्क हार्ड फुल डे, ये सारा दिन सख्त मेहनत करता था। यहाँ नेक्स्ट चैलेंज में क्वेश्चन है, इफ यू आर इन अ बॉयज प्लेस, कि अगर आप लड़के की जगह होते, वुड यू हैव हेल्प द टाइगर, तो क्या आप शेर की मदद करते, तो इसका आंसर मैंने कहा नो, नहीं, आई वुड नॉट हैव हेल्प द टाइगर, कि अगर मैं बॉय की जगह होती तो इसकी मदद ना करती, ठीक है, आप इसका आंसर सिर्फ नो में भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बताए गए हैं जिसका हम ट्रू फॉल्स बताएंगे कि अगर ट्रू है तो ट्रू लिख देंगे, फॉल्स है तो एफ राइट कर देंगे। द बुल्क वॉज पुलिंग अ कार्ट, तो ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है। द ट्रैप वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ट्रू, जिसमें शेर फंस गया था, ठीक है, फंदे में बताया जा रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग था तो हम कह देंगे ट्रू, ठीक है। द ट्री हेल्प द बॉय, लड़के ने जो ट्री था उसने लड़के की मदद की थी, तो ये क्या है, रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि ट्री ने उसकी हेल्प नहीं की थी, तो हम क्या कहेंगे, ये एफ है, मतलब फॉल्स है। नेक्स्ट है द बॉय वॉज नॉट वेरी ऑनेस्ट, जो लड़का था वो ईमानदार नहीं था, बल्कि वो ईमानदार था और इसी वजह से वो दोबारा उसके पास चला गया था, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, फॉल्स। द जैकल वॉज वेरी क्लेवर, जो इसमें गिद्ध था वो क्या होशियार था, ट्रू, जी बिल्कुल ऐसे ही था। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना, यहाँ पे हैं यूज दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इनके ऊपर हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे, जैसे यहाँ पे फ्रेंड है, दोस्त, इमीडिएटली, फौरन, रबिश, कचरा, ओफुल, जिसे हम क्या कहते हैं, ओफुल को हम कहते हैं खतरनाक, एंड लकीरी को क्या कहते हैं, खुशकिस्मत कहते हैं। अब हम इनके ऊपर क्या करेंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे, यहाँ पे सेंटेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड है, अली इज माई गुड फ्रेंड, या अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, या अली इज माई फ्रेंड, किसी सूट में भी इसे किया जा सकता है। नेक्स्ट है इमीडिएटली, अली वेंट टू स्कूल इमीडिएटली, रबिश, डू नॉट थ्रो रबिश ऑन द रोड, ऑफुल, योर राइटिंग इज ऑफुल, लकी, अली इज अ लकी बॉय। चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्राम द बॉक्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हेल्प वर्ड्स दिए गए हैं, इसे हम फिल करेंगे। सबसे पहले अग्री, थ्रो, ऑफुल, डिसाइडेड, सबसे पहले हमारे पास ए है, इसे देखते हैं, द जैकल डैश टू हेल्प हीम, द जैकल डैश टू हेल्प हीम, डिसाइडेड, इधर क्या आ जाएगा, डिसाइडेड, दे विल नॉट एग्री टू सेव मी, दिस इज एन ऑफुल ट्रैप, आई कॉन्ट गेट थ्रो द। नेक्स्ट है पुट द फॉलोइंग इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ पे ए और बी, हमारे ए और बी रो में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, अब इन्हें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए बैग, ईयर्स, नाइफ, ऑल एंड पार्ट है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अल्फाबेटिकल में ए लेटर आता है, ए यहाँ पे नहीं है तो हम देखेंगे बी, ठीक है, इसलिए हम सबसे फर्स्ट पे बी लिख देंगे, बैग्स, ठीक है, बैग वाला। इससे बाद क्या आता है, ई, तो ईयर्स, नाइफ, ऑल एंड पार्ट्स लिख देंगे। इसी तरह बी को भी हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ड्रिंक, ड्रॉप, इंक, शर्ट, एम्पायर। नेक्स्ट है मेक टू कॉलम्स इन योर नोटबुक, अब टू कॉलम्स बनाएंगे। क्लासीफाई द वर्ड्स लिस्टेड अबव एज वर्ड बिगनिंग विद अ कंसोनेंट, इसमें कहा जा रहा है कि टू हम क्या करेंगे, कॉलम्स बनाएंगे, एक तरह हम कॉन्सोनेंट्स का, दूसरी तरह हम वाउल्स का, और जो इसमें वर्ड्स यूज़ हुए हैं हम क्या करेंगे, जो वाउल्स से स्टार्ट होते हैं उसे वाउल वाले कॉलम में, जो कॉन्सोनेंट्स है उसे कॉन्सोनेंट्स वाले वाउल्स में राइट कर देंगे। बच्चों को कॉन्सोनेंट्स और पहले हम वाउल्स का कॉन्सेप्ट देंगे, जैसे कि मैंने एक तरफ कॉन्सोनेंट्स और दूसरी तरफ वाउल्स राइट किए गए हैं, इसी तरह कलरफुल चार्ट लेके, शीट्स लेके क्या करेंगे, बच्चों से एक तरफ हम वाउल्स और दूसरी तरफ कॉन्सोनेंट राइट करवा के उनकी ये कॉपी पे पेस्ट करवा देंगे, ताकि जब भी वो अपनी कॉपी खोलें उनको रिमाइंडर है कि कॉन्सोनेंट्स में कौन से लेटर आते हैं और वाउल्स में कौन से आते हैं। वाउल्स में ए, ई, आई, ओ, यू आते हैं, बाकी जो लेटर्स रह जाते हैं वो सब किस में आते हैं, कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। इसी तरह इनसे जब हम कॉलम राइट करवाएंगे, हम बच्चों को ये वाला क्या करेंगे, चार्ट दिखा के फिर उनसे कॉलम रेडी करवाएंगे। इसी तरह हम कॉलम रेडी करवा लेंगे, एक तरफ हम कॉन्सोनेंट्स, दूसरी तरफ हम वाउल राइट रेडी कर लेंगे। जो अभी हमने वर्ड्स लिखे हैं उसमें बैग, नाइफ, पार्ट, स्ट्रिंग, ड्रॉप, शर्ट क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, बाकी ईयर और एम्पायर, इंक, ये सब क्या है, वाउल हैं, क्योंकि बी, के और इसी तरह पी, डी, डी, एस क्या है, कॉन्सोनेंट्स लेटर हैं। इसी तरह ई, ओ, यू, आई किस में आते हैं, ये वाउल लेटर्स, ये किस में आएंगे, वाउल कॉलम में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं, कॉलम ए को हम बी के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। यहाँ पे देखें अथिंग मेड ऑफ वुड विद टू व्हील्स, ठीक है, कि ऐसी कौन सी चीज़ है वुड की बनी होती है लेकिन उसके दो पहिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने वन लिखा है और इस तरह मैंने यहाँ पे भी वन लिख दिया, अ कार्ट, ठीक है, ये वाला किसके साथ मैच होगा, इसके साथ। नेक्स्ट टू, टू को हम किसके साथ, इधर टू के साथ कर देंगे। अ थिंग मेड ऑफ मेटल एंड वुड, जो कि मेटल और वुड से बनी होती है, वो क्या है, नाइफ है। अ थिंग मेड ऑफ कॉटन, कॉटन से क्या चीज़ बनी होती है, नंबर थ्री है, तो थ्री का हम यहाँ पे देख लेंगे, आ शर्ट। नेक्स्ट है फोर, अ थिंग मेड ऑफ ग्लास, ठीक है, कोई शीशे की कौन सी चीज़ बनी होती है, यहाँ पे फोर है तो फोर पे क्या आ जाएगा, आ मिरर। नेक्स्ट है अ थिंग मेड ऑफ पेपर, यहाँ पे फाइव, तो क्या आ जाएगा, आ बुक।
नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। नेगेटिव्स, नेगेटिव क्या होता है, मनफी होता है, ठीक है, जिसमें हम नेगेटिव यूज़ करते हैं उसमें हम नॉट यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, इन सब को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है, ये अफर्मेटिव में दिए गए, हमने इनको क्या करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास सेंटेंस है द बॉय वॉज सैड, द बॉय वॉज सैड, इसे जब हम नेगेटिव में करेंगे तो हम कहेंगे द बॉय वॉज नॉट सैड, द बॉय वॉज नॉट सैड। नेक्स्ट है बी द बॉय टोल्ड द स्टोरी, द बॉय टोल्ड द स्टोरी, पास इंडेफिनेट है तो पास इंडेफिनेट है, तो पास इंडेफिनेट का जो नेगेटिव होता है उसमें हम डिड नॉट यूज़ करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी वाला, द बॉय डिड नॉट टेल द स्टोरी। नेक्स्ट सी है पीपल ईट माई लीव्स, ठीक है, पीपल ईट माई लीव्स, पीपल डू नॉट ईट माई लीव्स, द ट्री लाफ्ड, द ट्री डिड नॉट लाफ, द टाइगर कैच होल्ड ऑफ द बॉय, द टाइगर डिड नॉट कैच होल्ड ऑफ द बॉय। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, इसमें है प्लीज़ लेट मी आउट, कि प्लीज़ मुझे जाने दो, वी यूज़ पोलाइट वर्ड्स व्हेन वी आस्क फॉर हेल्प, कह रहे कि हम तब पोलाइट वर्ड्स यूज़ करते हैं तब हम जब हमने किसी को अपनी हेल्प के लिए कहना हो। इमेजिन डैट यू नीड हेल्प टू मूव सम बुक्स, मेक सिमिलर स्पीच बबल्स इन योर नोटबुक एंड फिल देम इन विद द हेल्प ऑफ अ क्लासमेट, यूज पोलाइट वर्ड। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बबल्स कंप्लीट किए गए हैं, इसी तरह हम इसी बबल्स को लेके कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, बुक्स के लिए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लीज कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। अब इसने क्या कहा, येस हाउ कैन आई हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद क्या मदद कर सकती हूँ, आई नीड टू मूव, ठीक है, क्या किसकी ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, बुक्स को लेके इसको क्या करेंगे, बबल फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है प्लीज़ कैन यू हेल्प मी, क्या मेरी मदद कर सकती हैं, येस बी बिल्कुल, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, आई नीड सम बुक्स फॉर रीडिंग, कि मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है पढ़ने के लिए, श्योर आई विल गिव यू सम बुक्स, कि मैं आपको ज़रूर अपनी कुछ किताबें दूंगी, थैंक यू, यू आर वेलकम। अब नेक्स्ट है योर टीचर विल मेक अ स्टेटमेंट, टर्न द स्टेटमेंट इनटू नेगेटिव बाय यूजिंग नॉट, अब ऐसे करेंगे टीचर कोई भी इनको स्टेटमेंट दे सकती है, जैसे बबल में हम किया तो उसने यस कहा, नॉट किया जा सकता है, कुछ सेंटेंस दिए जा सकते हैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए कि बेटा इनको क्या करें, नेगेटिव में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट है कंपोजिशन, जिसे हम तहरीर कहते हैं, डू यू थिंक, क्या आप ये सोचते हैं, द टाइगर ब्रोक आउट ऑफ द ट्रैप अगेन, कि जो शेर है कि वो दोबारा पिंजरा तोड़कर बाहर आ गया है, ठीक है, हाउ डिड ही गेट आउट, कि वो कैसे बाहर आया, राइट अबाउट इट एंड ड्रा अ पिक्चर, और इसी तरह क्या करें, एक तस्वीर आप टाइगर की बनाएं और उसमें कलर वगैरह करें। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आल्दो अगरचा, द बार जो सलाखी थी वर बहुत ज़्यादा, वेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत, अगरचा जो सलाखी थी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, बट लेकिन दे वर मेड ऑफ वुड, लेकिन वो लकड़ी की बनी हुई थी, द टाइगर वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, जो शेर है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इट ब्रोक अ फ्यू एंड मेड अ होल, इसने कुछ उस चंद एक को तोड़ दिया और एक सुराख बना लिया, बिग इनफ फॉर इट टू कम आउट, ठीक है, इतना बड़ा वो था कि जिससे वो बाहर आ सके, अ बॉय वॉज पासिंग नियर बाय, एक लड़का जो उसके गुजर रहा था पास से, द टाइगर रोड दहारा एंड ट्राइड, किया कोशिश की टू कैच हिम, इसे पकड़ने की, द बॉय क्या हुआ फिर, उसने क्या किया, रैन एंड क्विकली क्लाइम्ड अ नियर बाय ट्री, वो लड़का आगा और जाके दरख्त पर चढ़ गया, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया टू क्राई, चिल्लाना, फॉर हेल्प, मदद के लिए, वाइल, जबकि टाइगर रोड, जबकि जो शेर था वो दहाड़ता रहा, ठीक है, और दहाड़ता ही रहा, एंड रोड दहाड़ता रहा, द वॉइस, जो उसकी आवाज़ थी, अट्रैक्टेड विलेजर्स, मतलब विलेजर्स तक पहुँची, एंड और दे लुक देयर वेपन्स, दे टुक, उन्होंने लिए दे वेपन्स, अपने हथियार, एंड और रीच पहुंच गए द स्पॉट, उस जगह पर, सींग देखा देम, इनको कमिंग आते हुए, द टाइगर, टाइगर ने रन अवे, भाग गया, एंड द बॉय वॉज सेव्ड, और इस तरह लड़के की जान बच गई। इसी के साथ आज हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है, लास्ट में ये कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसी तरह मेरे चैनल पे ग्रेड 1 से 5 तक सारे लेक्चर्स कंप्लीट हैं, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।